का अमृत महोत्सव मनाने हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की गई है। नागरिकों को प्रोत्साहित कर अभियान से जोड़ने का सरकार ने अहवाल किया है। स्थानीय प्रशासन के दबाव में आकर शहर के स्कूलों में विद्यार्थियों पर झंडा खरीदी की सख्ती की जा रही है। सभी स्कूलों में विद्यार्थियों से 15 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों से जमा की जाने वाली रकम मनपा को सुपुर्द की जाएगी। जितनी रकम मनपा को प्राप्त होगी उतने राष्ट्रध्वज संबंधित स्कूल को भेजे जाएंगे। मनपा सामान्य प्रशासन विभाग ने मनपा शिक्षण अधिकारी, जिला शिक्षण अधिकारी माध्यमिक व प्राथमिक को पत्र भेजकर विद्यार्थियों व पालकों से झंडा खरीदी के लिए प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। मनपा ने जारी पत्र में कहा है कि स्कूलों को दिए जाने वाले झंडे का आकार 20x30 इंच रहेगा। पॉलिस्टर कपड़े से बनाया जाएगा ये झंडा। झंडे के बीच अशोक चक्र रहेगा। स्कूलों को प्रति झंडा 15 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्याध्यापकों से अपने स्कूल की विद्यार्थी संख्या केंद्र स्कूल को सूचित करने की सूचना दी गई है। हर घर तिरंगा अभियान का प्रचार प्रसार का कृति प्रारूप तैयार कर स्कूल महाविद्यालयों में सम्मेलन शिविर चर्चा सत्र का आयोजन करके निर्देश दिए गए है। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी व पालकों को सहभागी कर झंडा खरीदी करने व भारतीय ध्वज संहिता के पाठ पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान में कर्मचारियों से निधि संकलन किया जा रहा है। जिला परिषद कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक में प्रथम द्वितीय और तृतीय कर्मचारियों से वेतन के अनुपात सहयोग राशि तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से ऐच्छिक रकम लेने का निर्णय लिया गया था। जिला परिषद से लगभग 3 लाख रुपए संकलन हुआ है। जिलाधिकारी कार्यालय में भी लगभग उतना ही निधि जमा होने की जानकारी है। स्वयंसेवी संगठनों को व इच्छुक नागरिकों से आर्थिक सहयोग लिया जा रहा है। इस निधि से ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल व गांव में वितरण किए जाने वाले ध्वज खरीदी पर खर्च किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान ऐच्छिक है। महानगर पालिका शहर के स्कूलों में ध्वज सप्लाई करने वाली है। विद्यार्थियों को 15 रुपए में ध्वज दिया जाएगा। ये रकम मनपा में जमा की जाएगी। विद्यार्थियों पर ध्वज खरीदी की सख्ती नहीं की जा सकती। इस संबंध में बुधवार को पत्र जारी कर स्कूलों को सूचित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केसरी उजाला न्यूज, नागपुर।